I'm just going to say. Hey everyone, hope you are doing well. My name is Arshad, welcome back to my YouTube channel. So यार finally मैं आ गया हूँ एक और नए comparison video के साथ. काफ़ी ज़्यादा demand आ रही थी, मैंने एक video में पूछ लिया था कि मैं Dezo Watch 2 और Tag Wharf Ultra इन दोनों की comparison video बनाऊँ या नहीं, तो सब यही कह रहे थे कि बनाओ. तो यार आप लोगों की demand पर ये video हाजिर है. और तो अभी हम करेंगे इन दोनों watches का comparison, जो कि Dezo Watch 2 और Wharf Ultra. सो क्या क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या है इसके हेल्थ फीचर्स, स्पोर्ट्स मोड क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यार इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में. तो यार देखो, दोनों वॉचेस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है. दोनों ही मेटेलिक बॉडी के साथ आती है. जो आपका Dezo वॉच की उसमें एल्युमिनियम अलॉय है, जो कि वॉच को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देती है. वहीं अगर मैं बात करूँ आपके अल्ट्रा वर्क की, तो उसमें आपको मेटेलिक बॉडी दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है. तो यार बिल्ड एंड डिज़ाइन दोनों का काफ़ी अच्छा है. दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है. अभी बात करते हैं दोनों की डिस्प्ले की. तो यार दोनों की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और जो डिस्प्ले का साइज़ है वो भी काफ़ी सही है. मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, दोनों ही वॉचेस की अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ. अगर आप लोग दोनों ही वॉचेस की डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं. बाकी यार जो ब्राइटनेस लेवल जिसका ज़्यादा है वो Dezo Watch 2 का मुझे ज़्यादा लगा. और Dezo Watch 2 में आप टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं 25 सेकंड तक. Wharf Ultra की बात करूँ तो आप वहाँ पे सिर्फ 8 सेकंड तक की ही लिमिट लगा सकते हैं स्क्रीन टाइम की. तो बाकी जो ओवरऑल डिस्प्ले का लुक है दोनों का अच्छा है. जो आपका Wharf Ultra है वो एज डिस्प्ले के साथ आता है, 3D कर्व डिस्प्ले के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है इसकी डिस्प्ले के लुक को. वहीं अगर मैं Dezo Watch 2 की बात करूँ, वो भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी काफ़ी बढ़िया दिखती है. तो डिस्प्ले के मामले में जो है इनडोर आउटडोर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी दोनों ही वॉचेज़ में. बल्कि जो Dezo Watch 2 है उसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है. फीचर्स क्या क्या है इनके, ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ. डिफरेंसेस क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ. सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो है स्पोर्ट्स मोड का. आपको Dezo Watch 2 में 15 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, वहीं आपको Wharf Ultra में 6 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी कम है. अगर इन्होंने एक चिपसेट वाली वॉच बनाई है तो यार स्पोर्ट्स मोड इसमें ज़्यादा देना चाहिए था. बाकी अगर मैं और डिफरेंस की बात करूं तो यार वाटर रेजिस्टेंट में जो डिफरेंस है दोनों का वो भी काफ़ी ज़्यादा है. आपको Dezo Watch 2 में 5 ATM मिल जाता है, जो कि फुल्ली स्विमिंग प्रूफ होती है वॉच. वहीं अगर मैं बात करूं Wharf Ultra की, तो ये आपको IP68 के साथ आती है. यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है दोनों ही वॉचेज में. बाकी हेल्थ ट्रैकिंग सेंसर वगैरह दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों की जो एक्यूरेसी वगैरह सब सेम है. बाकी बात करूँ यार मैं इनकी वॉच की UI की, तो उस पर एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. दोनों की वॉच UI में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ये चीज़ आप लोगों को पता लग जाएगी और आप खुद भी इस चीज़ से डिसाइड कर सकते हो. बाकी तो मैं कॉन्क्लूजन पे आऊँगा और डिफरेंसेस पे भी आऊँगा आगे जाके, कि कौन ज़्यादा आगे है, कौन पीछे है, कहाँ पे Dezo Watch आगे है, कहाँ पे आपकी Wharf Ultra आगे है. तो अभी पहले आप लोग वॉच UI देख लो. आप अगर ऊपर से स्वाइप करते हो दोनों में ही, तो इसमें आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं सेटिंग के, चाहे वो डू नॉट डिस्टर्ब हो, रीसेट हो, या फिर टॉर्च हो, या नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन आपको इसमें यहाँ जाके देखनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं आती, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे Dezo Watch 2 में डायरेक्ट आ रही है. तो ये यहाँ पे डिफरेंस है. राइट से स्वाइप करते हो Dezo Watch 2 में तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हार्ट रेट, स्लीप मोड, SPO2 वगैरह. लेकिन यहाँ पे बस आपके वॉच फेसेस चेंज होते हैं, चाहे आप लेफ्ट स्वाइप करो या फिर राइट करो. लेफ्ट स्वाइप करते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सेटिंग के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं. उसके बाद मेन मेन्यू की बात करूँ तो दोनों में ही आप नीचे से मेन मेन्यू पे जा सकते हो, और यहाँ पे सारे, यहाँ पे दोनों में ही आपको एल डेटा और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स मोड वगैरह, सेटिंग. तो यहाँ पे सेटिंग में मैं दोनों की चीज़ें दिखा देता हूँ क्या फ़र्क है. कुछ चीज़ें हैं जो चेंज मिलेगी यहाँ पे, सिर्फ 4 चीज़ें हैं, एक लैंग्वेज, ब्राइटनेस और सिस्टम एंड फैक्ट्री रीसेट. बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं सेटिंग में आपको, लैंग्वेज, शट डाउन, रीसेट, स्क्रीन टाइम. यहाँ पे आप स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो 25 सेकंड तक, बट आपको टैग वॉच में आप इसे नहीं कर सकते हो 25 सेकंड तक, 8 ही सेकंड तक कर सकते हो, वो भी एप्लीकेशन से. तो यही कुछ डिफरेंसेस हैं इनके. ऊपर से आपको Dezo Watch 2 में 15 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से. वहीं मैं अगर बात करूँ आपके Wharf Ultra की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 6 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं. तो यही इसके कुछ वॉच UI और कुछ चेंजेस हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को भी डिफरेंस पता लग रहा होगा कि Dezo Watch 2 वॉच UI के मामले में भी, फंक्शंस के मामले में, फीचर्स के मामले में भी काफ़ी आगे है Wharf Ultra से.
तो यार अभी बात करते हैं हम इसके रिस्ट मेकअप की और वेट की। तो यार जो वेट है वो आपको वर्म अल्ट्रा में 46 ग्राम ही देखने को मिलता है, तो काफी लाइट वेट है मेटेलिक बॉडी होने के बाद भी। भाई अगर मैं डिजो वॉच की बात करूँ तो ये थोड़ा ज्यादा हैवी है वर्म अल्ट्रा से, जो कि फील भी होता है हाथ में पहनने के बाद। इसके अलावा रिस्ट मेकअप की बात करूँ तो यार वर्म अल्ट्रा जो है इतने अच्छे से रिस्ट मेकअप में काम नहीं करता है, वो मैंने इसकी पर्टिकुलर वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। वहीं अगर मैं डिजो वॉच 2 की बात करूँ तो काफी अच्छा रिस्पांस रहता है इसका रिस्ट मेकअप के मामले में, और हर बार एक बार भी ये फेल नहीं होता है मेकअप होने में, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी डिजो वॉच 2 की। एक्यूरेसी की बात करूँ तो यार देखो दोनों ही वॉच काफी ज्यादा एक्यूरेट है। इसमें तो आपको चिपसेट मिल जाती है वर्म अल्ट्रा में, इस वजह से ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है जब हार्ट रेट और SpO2 वगैरह आप इससे मेजर करते हो। वही बात करूँ डिजो वॉच 2 की तो ये भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोनों ही वॉचेस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है और दोनों ही मैच कर रही हूँ ऑक्सीमीटर से हार्ट रेट में। वहीं अगर मैं बात करूं SpO2 में तो SpO2 भी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोनों ही SpO2 में भी ऑलमोस्ट सेम है और थोड़ा सा आगे पीछे भी, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी दोनों ही वॉचेस की। दोनों ही वॉचेस जो है एक्यूरेसी में काफ़ी तगड़ी हैं, इनमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। वही बात करूं सरफेस टेस्ट की तो यार दोनों में से कोई सी भी वॉच आपको सरफेस टेस्ट का कोई भी रीडिंग नहीं देती है। दोनों ही को अगर आप टेबल वगैरह पे रखोगे तो ये आपको रीडिंग नहीं देगी। हाँ जो डिजो वॉच 2 है वो आपको सॉफ्ट चीज़ों पे दिखा देती है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखाया वो देख सकते हैं आप। बाकी अगर आप इसे हार्ड चीज़ पे रखते हैं या टेबल वगैरह पे रखते हैं तो दोनों ही वॉचेज आपको पहले वेयर करने कहेगी। स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो हाँ स्पोर्ट्स मोड में जो डिजो वॉच 2 है वो थोड़ी सी आगे लगती है मुझे, क्योंकि यार मैंने जो वर्म अल्ट्रा उसे भी यूज़ किया लेकिन वो मुझे इतनी तगड़ी एक्यूरेसी नहीं लगी उसकी स्पोर्ट्स मोड में। अभी आप लोग देख सकते हो मैं दोनों वॉचेस पहन के वॉक कर रहा था, मैंने 4-5 मिनट वॉक करी है ताकि आप लोगों को लाइव दिखा सकूं कि हाँ भाई जो इसकी एक्यूरेसी है वो कितनी है। तो अभी भी जो डेटा आप देख रहे हो वो लगभग जो डिजो वॉच 2 है वो ज़्यादा एक्यूरेट है वर्म अल्ट्रा से, तो यहाँ पे भी जो डिजो वॉच 2 है वो थोड़ी आगे निकलती है वर्म अल्ट्रा के मुकाबले। वाटर रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ की बात करूँ तो यार देखो डिजो वॉच 2 जो है वो 5 ATM के साथ आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप इससे स्विमिंग वगैरह कर सकते हो बिना किसी इशू के। वही बात करूँ मैं वर्म अल्ट्रा की तो यार इससे आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो, हाँ थोड़ा बहुत पानी झेल लेगी ये वॉच, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कभी स्विमिंग करने निकल जाओ। IP68 रेटिंग है, 1.5 मीटर से ज़्यादा पानी में आधे घंटे तक ही रह सकती है, उससे ज़्यादा पानी में आप नहीं रख सकते हो। दोनों ही वॉचेस को मैंने वाटर वगैरह से यूज़ किया है, मतलब वाटर वगैरह में यूज़ किया है, लेकिन मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है वर्म अल्ट्रा को, लेकिन फिर भी काफ़ी देर तक मैंने इसको पानी वगैरह में रखा है। और डिजो वॉच 2 उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं उसको कई बार पानी में डाल चुका हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो यार इस मामले में तो बहुत ज़्यादा आगे है डिजो वॉच 2। अभी बात करूं मैं इसके बैटरी बैकअप की तो यार दोनों ही वॉचेस का जो कंपनी है वो क्लेम कर रही है 10 डेज का बैटरी बैकअप, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है वर्म अल्ट्रा की जो बैटरी बैकअप वो काफ़ी तगड़ी है, आपको इजीली 8 डेज का बैटरी बैकअप दे देगी ये वॉच। वहीं बात करूं मैं डिजो वॉच 2 की तो वो 5 से 7 दिन का बैटरी बैकअप देगी, वो आपके यूसेज पर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हो। बैटरी बैकअप जो है अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे डिजो वॉच 2 में तो आपको 5 डेज का ही बैकअप देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। वहीं अगर मैं अल्ट्रा की बात करूं वर्म अल्ट्रा की तो अच्छा खासा जो बैकअप है वो काफ़ी रफ टफ में भी ये दे देगी। अभी बात करता हूँ पहले कि वर्म अल्ट्रा किन चीज़ों में डिजो वॉच 2 से आगे है। जो सबसे पहले डिस्प्ले है, डिस्प्ले में वर्म अल्ट्रा काफ़ी ज़्यादा आगे है डिजो वॉच 2 से, क्योंकि डिजो वॉच 2 में भी काफ़ी तगड़े बेजल्स दिखते हैं, जो वर्म अल्ट्रा है उसमें नीचे के बेजल्स ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन साइड से जो इसका लुक है जो 3D कर्व ग्लास है वो काफ़ी अच्छी लगती है ये चीज़। डिस्प्ले के डिज़ाइन के मामले में सिर्फ ब्राइटनेस के मामले में तो डिजो वॉच 2 ही आगे है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में जो है वो आपकी वर्म अल्ट्रा आगे है। वहीं दूसरी चीज़ की बात करूँ बैटरी की तो बैटरी में भी वर्म अल्ट्रा काफ़ी आगे है, क्योंकि बैटरी बैकअप इसका काफ़ी तगड़ा है। तीसरी बात करूं वर्म अल्ट्रा की तो इसमें नॉर्डिक चिपसेट आता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती है, और ये सॉफ्ट चीज़ों की भी कोई हार्ट रेट या SpO2 वगैरह नहीं दिखाती है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो यहाँ पे डिजो वॉच 2 से आगे है इन 3 चीज़ों में। अभी बात करते हैं हम कि डिजो वॉच 2 जो है वो किन किन चीज़ों में आगे है। सबसे पहले जो वॉच का UI है उसमें काफ़ी आगे है डिजो वॉच 2, और काफ़ी बढ़िया वॉच UI है, ना लैग करती है ना कुछ, तो बहुत सही चलती है। दूसरी बात करूं तो स्पोर्ट्स मोड में बहुत ज़्यादा आगे है, 15 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, वहीं इसमें आपको 6 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करूं ब्राइटनेस की तो यार डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है डिजो वॉच 2 की, आप आउटडोर में भी कोई दिक्कत फील नहीं करोगे, और इनडोर की तो क्या ही बात करूं। वहीं अगर बात करूं और किन चीज़ों में आगे है तो वाटर रेजिस्टेंट में आगे निकल जाती है, इसमें 5 ATM है और इसमें आपको IP68 देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको इसमें एक अल्मोनियम अलॉय देखने को मिलता है, जो कि इसके ओवरऑल लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करता है और काफ़ी तगड़ी लगती है वॉच, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है जब आप पहनते हो, तो ये चीज़ इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है डिजो वॉच 2 यहाँ पे भी आगे निकलती है ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन के मामले में भी। बाकी कुछ शॉर्टकट्स वगैरह जो होते हैं वॉच की UI में वो भी डिजो वॉच 2 में है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सही है।
आपको ज़्यादा अंदर घुस के नोटिफिकेशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर ही आ जाती है ऊपर से स्वाइप अप करने के बाद। लेकिन इसमें आपको स्वाइप अप करने के बाद ऑप्शन आता है मैसेज का, उसमें जाके नोटिफिकेशन देखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पीछे लगी है डीजो वॉच 2 से। कॉन्स की बात करूँ तो यार दोनों के अंदर थोड़े थोड़े कॉन्स है जो कि मैंने इनकी पर्टिकुलर वीडियोज़ में बताई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और यार इस वीडियो को अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना यार, मैं इस टाइप के कंटेंट लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। अभी तो सिर्फ चैनल की शुरुआत है, अभी ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े कंटेंट आएंगे और मैं हटके कोशिश करूँगा कंटेंट देने की सबसे अलग। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थोड़े अलग वीडियो बनाऊँ, थोड़े अलग कॉन्टेंट लाऊँ ताकि आप लोग कुछ अलग देखो, ये नहीं कि जो सारी चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ें मैं भी दिखाऊँ तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता उसमें खुद को ही। तो बस मेरी कोशिश यही है कि आगे भी मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दिखाऊँ और थोड़े यूनिक टाइप के कोशिश करूँ बनाने की। तो बस इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, काफ़ी तगड़े कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं आपको आगे भी। कॉन्क्लूजन की बात करूँ कि कौन सी वॉच लेनी चाहिए यार, तो ऑब्वियस है आपको अब तक समझ में आ गई होगी चीज़ें कि कौन सी वॉच आपके लिए ज़्यादा बेटर है। देखो अगर आपको ऐसी 3D कर्व डिस्प्ले वाली कोई नॉर्डिक चिप्स के साथ चाहिए तो आप बिल्कुल वर्क अल्ट्रा के साथ जा सकते हो, अदरवाइज आपको काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर चाहिए जो कि मैंने बताए हैं और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी, प्रीमियम लुक, ये सारी चीज़ें और प्लस कंपनी जो आपकी डीजो कंपनी है वो भी रियलमी की है, तो ये चीज़ें भी देख लेना, आपको यहाँ पे थोड़ा रियलमी का भरोसा भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें काफ़ी तगड़ी चीज़ें भी मिलती हैं जो कि वर्क अल्ट्रा में मिसिंग है। तो अगर आप लोग एक कम पैसों में, मतलब कि वर्क अल्ट्रा से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है मेरे हिसाब से, तो इस रेट में अगर आपको एक अच्छी वॉच चाहिए, एक एक्यूरेट वॉच चाहिए और लुक भी प्रीमियम चाहिए तो आप बिल्कुल डीजो वॉच 2 के साथ जा सकते हैं। तो यार बस यही थी आज की वीडियो, करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना यार। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।